हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मस्से जो बवासीर में हो जाती है, यानी बवासीर में जो ब्लाइंड पाइस होती है उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे। तो उसमें एस्कुलस ही बहुत बेस्ट वर्क करती है और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे मैसेज आए पाइल्स की एक बेस्ट मेडिसिन बताइए। तो पाइल्स बेसिकली कई प्रकार की होती हैं। ब्लीडिंग पाइल्स हो गए जिसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, एक ब्लाइंड पाइल्स होता है जिसमें से ब्लड नहीं आता है। तो आज मैं आपको ब्लाइंड पाइल्स में यूज़ होने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज होती है उसके बारे में आपको बताऊँगा, यानी कि एस्कुलसिप के बारे में। एस्कुलसिप का वर्क बहुत बेस्ट होता है। अगर आपको मस्सी की तरह हो गई है तो आप एस्कुलसिप 3x पोटेंसी में पहले खोजें। अगर 3x में मिल जाती है तो बहुत बेस्ट, अगर नहीं मिलता है तो आप 30 पोटेंसी में लेंगे। 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार यूज़ करिए। धीरे धीरे आपको वर्क मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि पहले दिन से ही दर्द होना, सूजन होना, ये सब काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आगे अगर हम बात करें एस्कुलस हिप की, तो आप एस्कुलस हिप को पाइल्स के अलावा, यानी कि बवासीर के साथ साथ अगर कमर में दर्द है तो भी आप एस्कुलस हिप को यूज़ कर सकते हैं। 5 बूंद आधा कप पानी में डाल लीजिए एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में और दिन में 2 बार लीजिए, आपको कमर दर्द भी काफ़ी हद तक राहत हो जाएगी। अगला, बहुत सारे लोगों को कूल्हे में प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कमर और कूल्हे में जो दर्द होता है जिसकी वजह से पेशेंट चल नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता है, तो कमर और कूल्हे की भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप। आप एस्कुलस हिप 200 पोटेंसी में लेंगे और सुबह शाम लीजिए, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली एस्कुलस हिप लोअर एक्सट्रीमिटीज में अच्छा वर्क करती है, लीवर पे अच्छा वर्क करती है, मल द्वार पे अच्छा वर्क करती है, यानी कि लैट्रिन के जो रास्ते होते हैं, सिरा पे यानी वेनस पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वर्क करने की वजह है कि इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं सब में बहुत जल्दी आराम देती है। आपने देखा होगा कि लैट्रिन करने के जाते समय भी बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, ऐसा महसूस होता है कि मल द्वार फट गया है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, जिसको अगर हिंदी में आप बात करें तो कांच निकलना है। उस कंडीशंस में भी आप एस्कुलस हिप 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज करिए, आपका दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन मिलेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुंचाते रहें। मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्रालजिया में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, यानी कि यकृत पे, लीवर पे अच्छा वर्क करता है। तो लीवर वाले जगह पे जब ज्यादा दर्द, अक्सर लोग चेलिडोनियम यूज करते हैं, च्यूनेंथस यूज करते हैं, अगर उससे राहत नहीं मिलता है आपको तो आप एक बार एस्कुलस हिप 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार खाली पेट लेके देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एस्कुलस हिप को ल्यूकोरिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके जो ल्यूकोरिया होता है बहुत गाढ़ा होता है, जहां लगता है वहां स्किन पे इरिटेशन पैदा करता है। अगर ऐसा कंडीशन है आपके साथ ल्यूकोरिया का तो आप एस्कुलस हिप यूज करें। सिर्फ यही कंडीशन नहीं, अगर इसके साथ आपको पाइल्स है यानी ब्लाइंड पाइल्स है, बवासीर है, तो आपको और कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस्कुलस हिप दोनों को कवर कर देता है। इसके अलावा मासिक के पहले जो दर्द होता है जिसको हम लोग डिसमोनोरिया बोलते हैं, डिसमोनोरिया के कंडीशंस में भी आप एस्कुलस हिप का यूज कर सकते हैं। एस्कुलस हिप को रोज सुबह मासिक जब बीत जाए तो 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर आप रोज सुबह लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये वो सारे सिम्टम्स थे जो जिस पे वर्क बहुत अच्छा देता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ पे मासिक बहुत स्कॉलरशिप बहुत अच्छा वर्क देता है। पहला, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग में हो, चाहे वो आपका फेफड़ा हो, चाहे लैट्रिन का रास्ता हो, चाहे चर्म रोग हो यानी स्किन डिजीज है, ऐसा मालूम होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड जमा है, खून जमा है। उस कंडीशंस में भी आप एसिकुलर शेप को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं मानसिक अवस्था को बताऊं एसिकुलर शेप का, तो इसका मानसिक अवस्था होता है हमेशा दुखित रहता है एसिकुलर शेप का पेशेंट, और दुखित के वजह से बहुत ज़्यादा क्रोधित स्वभाव का होता है। इसके और मानसिक स्थिति मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक लाइन है जो आपको स्कॉलरशिप के पेशेंट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, उसके एक बार मानसिक सिम्टम्स को जरूर मैच करिए, और तब आपको मायरिकल देखने को मिलता है। होम्योपैथ में बताते हैं चमत्कार होता है, और चमत्कार तभी होगा जब आपके सारे सिम्टम्स मिल जाए, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, अगर ये दोनों मैच करके आप होम्योपैथ को सेलेक्ट करते हैं मेडिसिन, तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। ऐसा सवाल ही नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले। इसके अलावा एस्कुलर शेप को आप सिरा पे, यानी कि वेनस वेरिकोसिल्स होते हैं, पैर की नसें हों या लैट्रिन के रास्ते वाली नसें मोटी हो जाती हैं, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप एस्कुलर शेप का यूज़ कर सकते हैं। उस पर रिजल्ट आपको स्कूल सिप के 3x पोटेंसी में मिलता है। 3x पोटेंसी में यूज़ कर लीजिए, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार। धीरे धीरे आपका सिरा का जो फूलना यानी वेनस जो फूल जाती है वो काफ़ी हद तक आराम हो जाती है। सिर्फ सिरा ही नहीं, अगर लैट्रिन के रास्ता की अगर फूल जा रहा है नली, तो उसको भी बहुत हद तक 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कम कर देता है। इसके अलावा गले की खराश होती है, यानी गला सूख जाता है, खांसता है, बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से बताता है कि गला पूरा छिल गया है। इस कंडीशंस में भी आप एस्कुलस शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कंडीशंस में आप एस्कुलस 30 लीजिए, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 बार लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एस्कुलर शेप का भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ तो इसका यही होता है कि इसको आप सर्दी जुकाम में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी नाक से पानी गिरता है लेकिन ड्राइनेस है, सूखापन हो जाता है, नाक से पानी गिरता है फिर सूख जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप एस्कुलर शेप को ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, और उसके साथ साथ अगर ठंड का मौसम है तो आप बेलाडोना ले लीजिए, यानी बेलाडोना और एसिकुलस 30 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपकी खराश भी ख़त्म हो जाती है और थोड़ा बहुत जो फीवर रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगला, आप एसिकुलस हिप को यूज़ करते कर सकते हैं नाक में की बीमारियों में, यानी नाक में जो छोटे छोटे घाव या फुंसी टाइप में हो जाता है, ठंड हवा लगने के बाद और दिक्कत बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। इस तरह के अगर नाक में घाव हो तो आपको एस्कुलर शेप 30 पोटेंसी में लेना है, 5 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 से 5 बार, आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप एस्कुलर शेप को गले के यानी गलकोस जिसको बोलते हैं ग्लैंड की बीमारी में यूज कर सकते हैं। गले में बहुत ज्यादा जलन होता है, गले में ऐसा लगता है कि गोद ने यानी कोई चीज चुभ रही है, उस कंडीशंस में आप स्कॉलरशिप बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर ऐसा कंडीशंस है तो आप स्कॉलरशिप 200 पोटेंसी मिलेंगी, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम लीजिए, 2 3 दिन में आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप को सूखी खांसी में प्रयोग कर सकते हैं। सूखी खांसी है, बहुत ज़्यादा खांसता है, खांसते खांसते अगर गला छिल जा रही है, इस तरह के कंडीशंस में आप स्कॉलरशिप का यूज कर सकते हैं। जनरली पाइल्स में बहुत सारी मेडिसिन यूज की जाती है,
जिसमें नक्स वोमिका भी होता है, रेटानिया भी होता है, कॉलिनसोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स हैं, जैसे नक्स में ब्लीडिंग होती है, ब्लड रक्त आता है, रेटानिया में ऐसा लगता है कि कांच का टुकड़ा चुभ रहा है, उस कंडीशंस में आप रेटानिया ले सकते हैं। मैं जब इसके वीडियो बनाए हैं, मैंने जो बनाया है और जो बाकी नक्स पे जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें उसके सारे सिम्टम्स बताऊंगा। इससे क्या होगा, ये वीडियो लंबा नहीं होगा। इसके अलावा एस्कुलस हिप का प्रयोग, औरतों में जरायु का सूज जाना होता है, गर्भाशय का अगर टेढ़ा हो गया है, घूम गया है और कड़ा हो गया है, तो उस कंडीशंस में आप एस्कुलस हिप को 1 एम पोटेंसी मिलेंगे और दिन में एक बार दीजिए, 1 से 2 दिन में ही उनको काफ़ी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एस्कुलस हिप को आप हर्निया में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज की हर्निया है तो एस्कुलस हिप को आप 1 एम पोटेंसी में दीजिए, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर 1 सप्ताह तक। प्राइमरी स्टेज की हर्निया के साथ अगर बवासीर है तो एस्कुलस हिप के अलावा और कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, तो इस कंडीशंस में भी आप एस्कुलस हिप का यूज़ कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर मेडिसिन्स यूज़ करते समय कोई भ्रम हो, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।